कारे जिन्हों के कारनामे लोगों को चौंका देने के साथ साथ उन्हें ये महसूस करवा देंगे कि आज के समय में कारें हर वो काम कर सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, इन सभी अमेजिंग कार के डिजाइन और इनके शानदार सड़कों पर चलने के तरीके को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बैट व्हीकल। बैटमैन की इस कार को असल में आपने मूवीज में तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस कार को सड़कों पर चलते देखा है, जो कि अपने शानदार लुक और बेहतरीन रफ्तार के चलते किसी का भी दिल जीत सकती है। क्योंकि इसका डिजाइन है ही कुछ ऐसा, जिसमें इसके आगे के दोनों टायर्स को छोटा और पीछे के दोनों टायर्स को बड़ा बनाया गया है, ताकि वो इसके लुक को वो रफ्तार भी दे सके जो इसे इसके नाम से मिलती है। ह्यूमन कार। पूरे तरीके से इंसान की ताकत से चलने वाली ये कार असल में लोगों द्वारा पूरे शरीर की एक्सरसाइज करके इस कार को चलाने के हिसाब से डिजाइन किया गया, जो कि एक इतनी नायाब टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप बिना जिम जाए अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं। असल में फोर सीटर ये कार हर सीट के आगे लगे स्टीयरिंग से उस बैटरी को चार्ज करके गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करने का काम करती है, जो कि असल में काफी अट्रैक्टिव डिजाइन था किसी भी कार के लिए जो कारें सड़कों पर चलती हैं। कैडिलैक पूल। स्विमिंग पूल वाली ये कार असल में दो इंजीनियर द्वारा कबाड़ी से 7,000 रुपए में खरीदी गई वो कैडिलैक थी, जिसे आप फ्री में भी ना लेना चाहें, लेकिन उन दोनों इंजीनियर्स की मेहनत ने इस कार को एक चलता फिरता हॉट वाटर स्विमिंग पूल बना दिया, जिसे आप 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। पूरे तरीके से वाटरप्रूफ ये कार असल में अपने इंजन की गर्मी से पानी को गर्म करने का काम करती है, जो कि सच में एक शानदार इन्वेंशन है। थ्रस्ट SSC। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इस कार को असल में ब्रिटेन के उन 4 लोगों ने मिलकर बनाया, जिन्हें रफ्तार पसंद कारों का शौक बचपन से ही था, और इसीलिए उन्होंने 1997 में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार यानी कि थ्रस्ट SSC को बनाया, जो कि 1228 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती है। क्योंकि इस गाड़ी में लगा जेट इंजन, जिसे रॉयल्स रॉयस ने एक विशेष मकसद के लिए बनाया था, ताकि दुनिया की सभी गाड़ियों को रफ्तार के मामले में पीछे छोड़ा जा सके, लेकिन इतनी ज्यादा रफ्तार के लिए ना तो कोई इंसान अपनी जान को जोखिम में डालना चाहेगा और ना ही कोई गवर्नमेंट इस चीज की इजाजत देती। इसीलिए इस कार को पहले ट्रायल में एक एयरफोर्स के विंग कमांडर के द्वारा चलवाया गया, जिसे जेट प्लेन चलाना आता था, और उसी ने इस कार को 1228 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया था। बिग फुट मॉन्स्टर ट्रक। असल में बिग फुट ट्रक के टायर्स का साइज शुरुआत से ही ऐसा नहीं था, लेकिन बिग फुट के जनरेशन में आए बदलावों ने उन्हें इस आकार तक पहुंचा दिया। असल में 1986 में बिग फुट की 5वीं जनरेशन में उसे अब तक का सबसे बड़ा टायर दिया गया, जिससे कि बिग फुट ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर ट्रक बन गया। और रही बात इसके कारनामों की, तो वो कारनामे आज भी लोगों के दिलों को सहमा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए क्या अपडेट्स करें। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, और इसी तरह के और भी नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।